उत्तराखंड त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस त्रासदी ने न जाने कितने लोगों को अपनों से जुदा कर दिया। कोई घर का इकलौता चिराग था तो कोई घर में अकेला कमाने वाला जो कि पूरे परिवार की रोजी रोटी चलाता था। तपोवन सुरंग से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। 6 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला है कि ये लोग 5 दिनों तक मलबे में जिंदा फंसे हुए थे। अगर समय से उनको रेस्क्यू कर लिया जाता तो शायद आज वो हम सबके बीच जिंदा होते। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग 12 फरवरी तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे। अनुमान लगाया गया कि ये लोग टनल की छत पर 5 दिन तक लटक कर जिंदा रहने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन वे जिंदगी की जंग में हार गए। एनटीपीसी के डायरेक्टर उज्जवल कांति भट्टाचार्य ने यह कहा कि त्रासदी एक तबाही की तरह थी। बड़ी बड़ी चट्टानों को इसने तिनके की तरह फेंक दिया। अगर ऋषिकेश गंगा पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं होते तो ये और भी बड़ी क्षति पहुंचा सकता था। त्रासदी के बाद जल का बहाव सुनामी की तरह तेज था, जोशीमठ समेत नीचे के गांवों को तबाह कर देता। साथ ही उज्जवल कांति भट्टाचार्य ने कहा कि एनटीपीसी से जुड़े सभी मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। चमोली में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा में प्रभावित लोगों के लिए राहत अभियान अभी जारी है। ऋषिगंगा घाटी में आई बाढ़ के बाद अब तक 56 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। तपोवन टनल में फंसे लोगों को भी निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस का संयुक्त बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिनों में आपदा प्रभावित चमोली में बचाव अभियान समाप्त हो सकता है। आपदाग्रस्त क्षेत्र से 56 मानव शव एवं 22 मानव अंग बरामद किए गए हैं। इनमें से 28 शव तथा 1 मानव अंग की पहचान हो पाई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और डीएनए एक्सपर्ट्स की मदद से 56 मृतकों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।